जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं वन सिग्नल को अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से सेटअप करते हैं और इसको हम फायरबेस के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम शुरू से देखने वाले हैं कि फायरबेस में हम किस तरीके से नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके साथ हम न्यू ऐप को किस तरीके से हम वन सिग्नल के अंदर क्रिएट करेंगे और उन दोनों को हम किस तरीके से कॉन्फिगर करेंगे और हमारा जो वन सिग्नल एक्सटेंशन है उसको आप अपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से सेटअप कर पाएंगे। तो उसके लिए तो आपको सबसे पहले वन सिग्नल की जो भी डैशबोर्ड है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और यहाँ पे जाने के बाद आपको न्यू ऐप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे आप लोगों को सारा चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखा देते हैं। और अभी हमने रिसेंटली वन सिग्नल एक्सटेंशन को अपडेट किया है जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट किया है, जैसे कि अभी आप अपना जो भी कस्टम स्मॉल आइकन है वो आप लगा पाओगे और उसके साथ ही आप जो कि आप अगर फायरबेस ऑथेंटिकेशन अगर आप अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए हमने अलग से एक्सटेंशन जनरेट कर दिया है। तो दो आपको अलग अलग सेपरेट पैकेज नेम के साथ अलग अलग एक्सटेंशन मिलेगा, एक होगा जो कि है फायरबेस ऑथ के साथ काम करेगा और दूसरा जो नॉर्मल है जो कि फायरबेस ऑथेंटिकेशन के साथ आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं वन सिग्नल की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर। तो और यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ से हम लॉगिन और साइन अप कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे पहले अकाउंट नहीं बनाया है तो यहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं और यहाँ पर हम सिंपली लॉगिन कर लेते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो आपने यहाँ पे जो भी अपना जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे लिंक किया है या कनेक्ट किया है वो सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद आप यहाँ से अगर कोई नया एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू ऐप बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्लिक करके अपना जो भी ऐप है उसका नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है आपको यही करना है, वन सिग्नल के डैशबोर्ड में जाने के बाद न्यू ऐप यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऐप का नाम दे देता हूँ वन सिग्नल। और यहाँ पे आपको एक जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन बोल रहा है, तो आप जो भी अगर आपने पहले क्रिएट किया हुआ है तो वो यहाँ पे आप न्यू यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन है तो आप न्यू क्रिएट कर सकते हो या एग्जिस्टिंग जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा गूगल एंड्रॉयड जो कि है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन को आप जैसे सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट जो कि कॉन्फिगर योर प्लेटफॉर्म बटन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो कि फायरबेस से एक जेसन फाइल यहाँ पे जो कि डाउनलोड करके इसमें इंपोर्ट करने के लिए बोल रहा है, तो ये जेसन फाइल आपको अपने फायरबेस कंसोल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके लिए अभी हम जाते हैं फायरबेस के अंदर और फायरबेस के अंदर हम यहाँ पर गो टू कंसोल करते हैं और इसके अंदर आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हो या आपके एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में भी वो उसको आप लिंक कर सकते हो। तो अभी हम शुरू से देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देता हूँ जैसे कि डेमो ऐप। तो यहाँ पे हमने एक डेमो ऐप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे और फिर दोबारा हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पे फायरबेस अकाउंट सिलेक्ट करके तो यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर लेते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे कुछ इस तरीके से, आप अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एंड्रॉयड है iOS है, तो यहाँ पर हम एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पे जो भी आपका एप्लीकेशन है उसका पैकेज नेम यहाँ पर देना होगा। तो उसके लिए हम नाइट्रॉन के अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक प्रोजेक्ट का नाम दे दिया है वन सिग्नल ऐप और इसका पैकेज नेम भी हमने दे दिया है। तो अभी हम इसका जो भी डिटेल्स है वो हम इसमें फिल कर देते हैं, जैसे कि हम जो हमने पैकेज नेम यहाँ पे लिखा है वही चीज़ हम यहाँ पे दे देते हैं पैकेज नेम। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन का नेम है वो हम दे देते हैं वन सिग्नल ऐप। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं नाइट्रॉन के अंदर। यहाँ पे हमारा नाइट्रॉन के अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है और अभी हम इस यहाँ पे की स्टोर पर हम जैसे ही हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा SS1 जो हमारा फिंगरप्रिंट है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है, तो वो फिंगरप्रिंट हम यहाँ पर पुट कर देंगे कि फायरबेस के अंदर रजिस्टर ऐप के अंदर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा जो भी ऐप है वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट रजिस्टर हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे एक जेसन फाइल देखने को मिलेगा, लेकिन ये वाला जेसन फाइल आपको यहाँ पे अपलोड नहीं करना है।
तो ये वाला जेसन फाइल आपको, अगर आपने प्रोजेक्ट में आप जो भी फायरबेस का जो ऑथेंटिकेशन है वो अगर यूज़ करना चाहते हो तभी आप इसका यूज़ करना है, बाकी आप इसको अपलोड नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो अभी हम नेक्स्ट कर लेते हैं। और ये अगर आप एंड्रॉयड स्टोरी से बनाएंगे तो ये सारा चीज़ जो भी आपका जो भी डिपेंडेंसी वगैरह है वो जो कि इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे दिखाया है। तो अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको हम कंटिन्यू कर लेंगे। और फिर अभी हम यहाँ पे वन सिग्नल ऐप यहाँ पे जो हमारा इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे हम जाएंगे जो कि प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर हम जाएंगे और प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर हम जाएंगे। और जैसे ही हम प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे और उसके बाद हम क्लाउड मैसेजिंग का जो हमें ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे इसको हमें इनेबल करना होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिसेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लाउड मैसेजिंग एपीआई लीगेसी ये वाला डिसेबल है, तो यहाँ पर हम इसको इनेबल करेंगे। तो इसको इनेबल करने के लिए हम जो कि गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर वो जो कि रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे गूगल क्लाउड जो कंसोल है उसमें रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से हम इसको जो कि इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको इनेबल करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा क्लाउड मैसेजिंग, तो सिंपली हम यहाँ से इनेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग ये सक्सेसफुली यहाँ पे जो भी इनेबल हो गया है। तो अभी हम इसको दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं जो भी फायरबेस का जो कंसोल है। तो जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है क्लाउड मैसेजिंग इनेबल, और जो कि पहले वन सिग्नल का जो सेटअप है उसके लिए हमने डायरेक्टली ये टोकन नंबर को कॉपी करके हम जो कि वन सिग्नल के साथ सेटअप कर पाते थे, लेकिन अभी इसका जो भी सिस्टम जो कि चेंज हो चुका है, आपको वन सिग्नल के अंदर जो जेसन फाइल यहाँ पे अपलोड करना है वो आपको जो कि सर्विस अकाउंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। और सर्विस अकाउंट के अंदर आप जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो जेनरेट न्यू प्राइवेट की का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे ये जेनरेट न्यू प्राइवेट की का ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है, और जेनरेट की का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे जेनरेट की का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक फाइल जेनरेट होके आपको डाउनलोड हो जाएगा जो जेसन फाइल है, तो वही जेसन फाइल आपको यहाँ पे जो कि वन सिग्नल में अपलोड करना है। तो कि जो इसका वन सिग्नल का जो पहला जो प्रोसेस था उसमें बहुत ही सिंपल था कि हम यहाँ पे जो क्लाउड मैसेजिंग को इनेबल करने के बाद और यहाँ पे हम जो सेंडर आईडी और जो भी हमारा टोकन है उसको देने से ही हो जाता था, लेकिन अभी आप लोग ये ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए वो जो जेसन फाइल है वो आपको सर्विस अकाउंट के अंदर यहाँ से आप जेनरेट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आप वो जो आपने फाइल यहाँ पे जेनरेट कर लिया उस फाइल को आपको यहाँ से चूज करके सेटअप कर लेना है। तो यहाँ से मैं वो फाइल को पिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सर्विस अकाउंट का जो जेसन फाइल है इसमें हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट कर दिया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमने फायरबेस का ऐप के साथ जो लिंक करते वक्त जो जेसन फाइल जनरेट होता है वो फाइल आपको यहाँ पे जो कि सेटअप नहीं करना, नहीं तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आपको उसी तरीके से फाइल को जनरेट करना है, फिर यहाँ पर सेटअप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेटिव एंड्रॉयड के अंदर, और फिर हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू दोबारा से हम कर देते हैं। और यहाँ पे हमें वन सिग्नल के अंदर अभी ऐप आईडी मिल चुका है, तो ये वाला ऐप आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और फिर नाइट्रोन में जाके हम यहाँ से एक जो कि वेरिएबल हम यहाँ पर लेंगे और उसके अंदर हम इसको जो कि स्टोर कर देते हैं, और इसका नाम हम दे देते हैं ऐप आईडी। और फिर हम हमारा ये जो कि प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो हम डन पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ तक तो आपका जो सेटअप हो चुका है, बाकी अगर आपने ऐप से ही अगर आप नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो अपना रीसेट एपीआई की है वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको नीचे जाना है और की एन आईडी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऐप आईडी है और रीसेट एपीआई की है वो दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन से जो कि जो आपका मेन एप्लीकेशन है उसमें डायरेक्ट आप रीसेट एपीआई की यूज़ ना ही करें तो ही बेहतर है, ना कि आपका ये दोनों चीज़ एक साथ यूज़ करना सही नहीं है। मतलब आपका जो ऐप आईडी है वो सिर्फ नोटिफिकेशन को रिसीव करेगा
और ऐप आईडी के साथ अगर रीसेट की भी अगर ऐप में आप सेटअप करेंगे तो नोटिफिकेशन रिसीव करने के साथ साथ वो सेंड भी कर पाएगा। तो उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको खुद की एप्लीकेशन से नोटिफिकेशन सेंड करना है कि नहीं, या आप डैशबोर्ड में जाके नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो, या कोई दूसरा ऐप बना के एडमिन ऐप से आप नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो आप मान लीजिए कि यह आपने डेमो ऐप एक एडमिन ऐप जैसा ही हम बनाएंगे और इसमें हम रीसेट एपीआई भी सेट कर देते हैं। तो ये हमारा रीसेट एपीआई यहाँ से हमने कॉपी कर लिया और फिर हम यहाँ पे इसको जो नाम दे देते हैं रीसेट एपीआई। तो यहाँ तक हमारा सारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम नाइट्रॉन के अंदर जो हमारा एक्सटेंशन है वो हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो दोनों एक्सटेंशन हमने यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया है, जो कि एक का नाम है वन सिग्नल पुश और दूसरे का नाम है वन सिग्नल पुश ऑथ। और यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन भी लिखा है वन सिग्नल पुश नोटिफिकेशन फॉर फायरबेस ऑथ। तो मतलब ये वाला एक्सटेंशन जो कि फायरबेस ऑथ के साथ ही काम करेगा, बाकी आप विदाउट फायरबेस ऑथ इसको यूज़ करने जाएंगे तब भी काम नहीं करेगा। और मतलब जो इसके साथ फायरबेस ऑथ यूज़ करना ज़रूरी है, और बाकी ये वाला जो नॉर्मल वाला है इसके साथ फायरबेस ऑथ आप यूज़ जो कि आप नहीं कर पाएंगे, तो आपका फायरबेस का लॉगिन नहीं होगा। और इसको आप नॉर्मली आप इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप फायरबेस ऑथ यूज़ नहीं कर रहे हो। तो अभी हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ड्रैग कर लेते हैं। और अभी हमने लेटेस्ट वर्जन में जो कि स्मॉल आइकन का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, तो स्मॉल आइकन को आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे चूज़ करने के लिए ऑप्शन आएगा तो एसेट में आप स्मॉल आइकन को अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एसेट के अंदर कस्टम आइकन हमने अपलोड कर दिया है, तो अपने हिसाब से आप कोई भी आइकन यहाँ पे लगा सकते हो। फिर उसके बाद हम स्मॉल आइकन के अंदर ये वाला हम यहाँ से पिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जो भी कस्टम स्मॉल आइकन है वो आप मल्टीपल यहाँ पे अपलोड करने के बाद वहाँ से जिस भी आइकन को आप शो कराना चाहते हो तो वो वाला आइकन का नाम आप नोटिफिकेशन सेंड करते वक्त देना है, तो तभी आपका ये सेटअप हो जाएगा। ये सिर्फ जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ये वाला आइकन सिलेक्ट करके रखा है। और अभी हम जाएंगे ब्लॉक सेशन में। तो अभी हम ब्लॉक सेशन में जो भी हमारा सेटअप है वो हम कर लेते हैं। तो ब्लॉक सेशन में आपको क्या क्या सेटअप आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, तो हम इनिशियलाइज का ब्लॉक हम ले लेते हैं और फिर हम जो एसडीके को इनिशियलाइज कर लेते हैं। इनिशियलाइज एसडीके वाला ब्लॉक हम ले लेते हैं और ऐप आईडी वाला हम यहाँ पर ले लेते हैं। और इसके बाद हमें और एक चीज़ यहाँ पर करना है जो कि है यहाँ पर हम एक प्रोसीजर क्रिएट करते हैं। जो भी लेटेस्ट एंड्रॉयड है उसमें नोटिफिकेशन एक परमिशन रिक्वेस्ट हमें भेजना पड़ता है और उसको चेक भी करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे परमिशन लिख लेते हैं और इसमें हम जो भी हमारा यूज़र का नोटिफिकेशन परमिशन है वो हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि हम चेक पोस्ट नोटिफिकेशन ये वाला अगर फॉल्स है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट नोटिफिकेशन वाला ब्लॉक हम यहाँ पे लगा देंगे और इसके बाद पोस्ट नोटिफिकेशन ये वाला ब्लॉक भी हम लगा देंगे। अगर ये ब्लॉक काम नहीं किया तो ये ब्लॉक काम करेगा। मतलब क्या है कि नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट का जो सिस्टम है, जो नोटिफिकेशन परमिशन रिक्वेस्ट करने का सिस्टम है, वो किसी प्लेटफॉर्म में इस ब्लॉक से काम करेगा या किसी प्लेटफॉर्म में इस ब्लॉक से काम करेगा, तो दोनों को लगा देना सेफ है। फिर उसके बाद ये जो प्रोसीजर हमने क्रिएट किया वो प्रोसीजर को हमें इनिशियलाइज में यहाँ पे सेटअप कर देना है। तो ये हमने सेटअप कर दिया। फिर उसके बाद हमें जो भी नोटिफिकेशन हम अगर रिसीव करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या सेटअप करना है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। नोटिफिकेशन ओपन, तो जब भी हमारा नोटिफिकेशन ओपन होगा तो क्या होना चाहिए, तो नोटिफायर हम ले लेते हैं और हम जैसे ही नोटिफिकेशन ओपन होगा और नोटिफायर में हम नोटिफिकेशन का जो टाइटल है वो हम यहाँ पे शो करा सकते हैं नोटिफिकेशन ओपन करने पर। तो जैसे ही आपने स्क्रीन इनिशियलाइज में जो इनिशियलाइज एसडीके के साथ ऐप आईडी सेटअप कर दिया, फिर उसके बाद जो है वन सिग्नल ऑन सब्सक्राइब इवेंट के अंदर आपको यूज़र सब्सक्राइब हुआ कि नहीं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भी हम जो कि एक नोटिफायर लगा देते हैं और इसमें लिख देते हैं सब्सक्राइब। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यूज़र जैसे आपका ऐप ओपन करते हैं तो डायरेक्टली इस जो कि सब्सक्राइब नहीं होता है, जो कि उसमें सब्सक्राइब होने में थोड़ा सा डिले होता है। और जैसे कुछ सेकंड के बाद यूज़र आपका ऐप अगर यूज़ कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक कुछ सेकंड के बाद वो सब्सक्राइब हो जाएगा। तो सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और जैसे ही सब्सक्राइब होगा तभी आपका यूज़र आई डी यहाँ पर जो कि जनरेट होकर मिलेगा।
और अगर आपने ऐप ओपन कर लिया लेकिन सब्सक्राइब नहीं हुआ, वैसे ही अगर ऐप को क्लोज कर दिया तो वैसे में अगर नोटिफिकेशन सेंड होगा तो वो रिसीव नहीं कर पाएगा। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सब्सक्राइब हुआ है कि नहीं वो भी देखना है। तो बाकी सिंपल सा यही सेटअप है। अगर आप दूसरे ऐप से नोटिफिकेशन सेंड करना चाहते हो तो जो भी इतने ब्लॉक को सेटअप करने से ही आपका जो भी नोटिफिकेशन है वो रिसीव हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे बिल्ड एपीके कर लेते हैं। तो अभी हमने रिसेट अपॉय वाला सिस्टम इसमें नहीं लगाया है। अगर हम ऐप से नोटिफिकेशन सेंड करना है तभी रिसेट अपॉय वाला जो यहाँ पे ब्लॉक है वो काम आएगा। तो सिंपल अगर आपको रिसीव करना है नोटिफिकेशन तो इसके लिए इतना ब्लॉक ही जो कि काफ़ी है। तो यहाँ पे हमारा जो जो कि एपीके है वो जनरेट हो चुका है। तो अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी हम अगर वन सिग्नल के डैशबोर्ड में जाएंगे और ये वाला एप्लीकेशन वही सिलेक्ट करना है जो आपने अभी क्रिएट किया है, और फिर उसके बाद जो कि न्यू मैसेज हम करेंगे और न्यू पुश हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम एक पुश नोटिफिकेशन क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे टाइटल हम दे देते हैं हेलो वन और मैसेज वन। तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरह का जो भी है नोटिफिकेशन है वो आपको जो कि किस तरह का देखने को मिलेगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हेलो वन और मैसेज आपको यहाँ पे इस तरह का नोटिफिकेशन शो होगा। और स्मॉल आइकन को आप डायरेक्टली जो अपलोड नहीं कर सकते हो, इसमें जो भी आपने एसेट में जो भी आइकन आप अपलोड किए हैं वही आइकन आप यहाँ पे जो भी उसका नेम है वो आपको सेट कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे कस्टम आइकन डॉट PNG रखा है तो वो आइकन हमने यहाँ पे सेट कर दिया। फिर वो बाकी सारा हमें कुछ भी यहाँ पे सेटअप नहीं करना है। और फिर उसके बाद हमें रिव्यू एंड सेंड हमें कर देना है। तो यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन सेंड हो चुका है और हमारे ऐप के अंडर यहाँ पे ये वाला जो कि नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो चुका है जैसे हमने यहाँ से सेंड किया था हेलो मैसेज वन, और यहाँ पे हमारा जो लार्ज आइकन है वो हमें देखने को मिला है और जो भी हमारा कस्टम आइकन हमने सेट किया है वही यहाँ पे देखने को मिला है। और जैसे हम नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा नोटिफिकेशन का टाइटल है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो न्यू पुश हम यहाँ से नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए बार बार आपको ये सारी चीज़ें फिल करना पड़ता है, और यहाँ से जो आपने पहले सेंड किया था डिलीवर्ड और ये सारा चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। और फिर यहाँ पे आप इसको जो कि दोबारा अगर सेंड करना चाहते हो तो इसको आप डुप्लीकेट बना सकते हो, फिर उसमें आप कुछ भी चेंजेस करके वही नोटिफिकेशन को आप दोबारा सेंड कर पाएंगे। तो अगर आपको डैशबोर्ड से अगर नोटिफिकेशन सेंड करना है तो कुछ इस तरीके से आप नोटिफिकेशन को बढ़िया तरीके से सेंड कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं जो कि एप्लीकेशन से अगर डायरेक्टली नोटिफिकेशन सेंड करना है तो वो किस तरीके से हो पाएगा। तो इसके लिए हम एक सिंपल सा बटन ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक बटन ले लिया है और जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा तो यहाँ पे हम ये वाला ब्लॉक लेते हैं सेंड टू ऑल यूज़र। तो उसमें हम जो हमने रिसेट एपीआई का जो वेरिएबल हमने क्रिएट किया था वो हमने रिसेट एपीआई यहाँ पे दे दिया, और ऐप आईडी हम यहाँ पे सेटअप कर देंगे, फिर नोटिफिकेशन का जो टाइटल है वो हम यहाँ पे दे देंगे हेलो टू, फिर उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे मैसेज टू, और फिर उसके बाद अगर आप आइकन वगैरह सेट नहीं करना चाहते हैं, लार्ज आइकन और बिग पिक्सल इसको सेट नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ब्लैंक रख सकते हो, और लॉन्चर यूआरएल अगर नहीं चाहिए तो इसको ब्लैंक रख सकते हो, और शेड्यूल टाइम इसको भी आप यहाँ पे ब्लैंक रख सकते हो। तो इसका सारा बाकी सारा सेटअप आप किस तरीके से कर सकते हो, शेड्यूल टाइम हो गया, लॉन्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें हमारे पोस्ट के अंदर हमने बढ़िया तरीके से बताया हुआ है। तो आप इसको फॉलो करके बढ़िया तरीके से अपने जो भी प्रोजेक्ट के अंदर सेटअप कर पाएंगे क्या 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 सेटअप है। बाकी हमने अभी इसकी तो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है हम न्यू तरीके से हम वन सिग्नल और फायरबेस के अंदर जो भी प्रोजेक्ट है उसको बना के किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं तो वो हमने यहाँ पर देख लिया। फिर इसके बाद अभी हम दोबारा एप्लीकेशन को जनरेट करेंगे, फिर वो यहाँ से हम नोटिफिकेशन को सेंड कर पाएंगे। तो फिर से हम इसका जो एपीके है वो जनरेट कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सेटअप है जो आपको करना है। अगर आप डायरेक्टली ऐप से सेंड करना चाहते हो तो उस इस तरह का आपको ब्लॉग सेटअप करना है।
और बाकी आप वन सिग्नल डैशबोर्ड से भी अपने हिसाब से जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो आप सेंड कर पाएंगे। और इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो कि देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपका स्पेसिफिक यूज़र को नोटिफिकेशन भेजना है तो वो भी आप इसको कर पाएंगे, जो यूज़र आईडी है। ये सभी यूज़र आईडी आप अपने डाटाबेस में इसे स्टोर कर सकते हैं कि आपका जो भी रजिस्टर सिस्टम होगा और उस हिसाब से आप एक जो एक कॉलम हर एक यूज़र के एक कॉलम के अंदर आप यूज़र आईडी को स्टोर कर सकते हैं जिसने भी आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है। बाकी आप और भी आपको ऑप्शन मिल जाता है आपका जो भी यहाँ पे वन सिग्नल डैशबोर्ड में भी आपको सभी यूज़र का जो भी यूज़र आईडी मिल जाता है, लेकिन कौन सा किसका है वो आपको यहाँ से पता नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप टैग वगैरह लगा सकते हो। ये सारे चीज़ से आप उससे आप जो कि पता कर सकते हो। तो यहाँ से यूज़र्स की ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम जो कि ऑडियंस के अंदर आपको मिल जाएगा जो भी आपका सब्सक्राइबर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और उसका सारा डिटेल्स आपको यहाँ से जो कि पता कर सकते हो। और जितने भी यूज़र ने आपका एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है तो लास्ट एक्टिव है और ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे जो कि देखने को मिल जाता है। वन सिग्नल ऐप आईडी और जो भी सब्सक्राइबर आईडी है वो सारा चीज़ आप यहां से जो कि पता कर सकते हो। और इसमें वन सिग्नल का जो फ्री प्लान है उसके अंदर आपको अनलिमिटेड ही जो भी आप नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, उसमें कोई लिमिट नहीं है। बाकी अभी तक तो कोई लिमिट यहां पे नहीं दिया है, तो मतलब काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि हम एक दिन में कितना नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, तो इसका मुझे नहीं लगता कि कोई लिमिटेशन वन सिग्नल ने दिया है। तो वन सिग्नल का जो प्रीमियम प्लान है उसमें बस यही है कि आप यूज़र का जो भी डाटा है उसको ज़्यादा आप एनालाइज़ कर पाएंगे, वो ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर जो कि डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिलेगा। तो अब वो सारी चीज़ें आपको जो कि वन सिग्नल के प्रीमियम जो प्लान है उसमें देखने को मिलता है। तो आप बेसिकली नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए तो आप जो इसका बेसिक जो आप यहाँ से फ्री में जो आप यहाँ से क्रिएट करके नोटिफिकेशन वगैरह सेंड कर सकते हो। बाकी हमारा यहाँ पे ये एपीके जनरेट हो चुका है तो अभी हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी हम इसको ओपन करते हैं और कुछ सेकंड वेट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे ही सब्सक्राइब होगा फिर उसके बाद नोटिफिकेशन सेंड करेंगे तो वो रिसीव होगा, नहीं तो आप एप्लीकेशन ओपन करते ही डायरेक्ट अगर सेंड करेंगे तो वो रिसीव नहीं होगा क्योंकि सब्सक्राइब होने में थोड़ा सा डिले होता है। वो वन सिग्नल के सर्वर पर डिपेंड करता है और यूज़र की जो भी डिवाइस के अंदर इंटरनेट है उस पर डिपेंड करता है, अगर वो जो कि ऑनलाइन होगा तो तभी ही वो जो कि सब्सक्राइब हो जाएगा। और यहाँ से हम जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा, तो डायरेक्टली हमने सिंपल जो टाइटल और मैसेज के साथ जो हमने नोटिफिकेशन दिया था तो यहाँ से वो रिसीव हो गया है बढ़िया तरीके से। तो यही सिंपल सा सेटअप है जो हमारा वन सिग्नल एक्सटेंशन का है, वो आप जैसे कि देख सकते हैं बहुत ही कम ब्लॉक के अंदर इसमें हमने जो कि सेटअप किया है। बाकी आप इसमें बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिल जाता है, वो सारा चीज़ें जो कि एडवांस लेवल है, तो बेसिक आपको नोटिफिकेशन सेंड करना है तो वो चीज़ है। बाकी इसमें एडवांस लेवल भी है जो आप यहां से कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। वो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, तो देखते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से आप न्यू प्रोजेक्ट वन सिग्नल और फायरबेस के अंदर क्रिएट करके अपने ऐप के अंदर ये वाला एक्सटेंशन को किस तरीके से आप यूज़ कर पाएंगे। तो दैट्स इट गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है तो हमें जो कि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और कॉमेंट में भी पूछ सकते हैं। और ये वाला एक्सटेंशन आपको हमारे डिफॉल्ट एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जिससे ऑर्डर करेंगे तो आपको विद इन 2 to 3 days के अंदर या एक दिन के अंदर भी, मैं अगर फ्री रहूँगा तो वो मैं आपको जो कि मैन्युअली आपकी ईमेल एड्रेस जो आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस ईमेल एड्रेस के साथ रजिस्टर करके मैं आपको जो सेंड कर दूंगा, जो कि है ऑफलाइन रजिस्टर सिस्टम हमने यूज़ किया है। तो जैसे ही आप ये वाला एक्सटेंशन आपने डिफॉल्ट एप्लीकेशन से ऑर्डर किया फिर उसके बाद आपका जो भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे यूज़ करते हो, कोडिलर हो गया, नाइट्रोन हो गया, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करने के लिए जो ईमेल एड्रेस यूज़ करते हो वो वाला ईमेल एड्रेस बस मुझे सेंड करना है और बस उस ईमेल के साथ मैं आपका एक्सटेंशन जनरेट करके वो सेंड कर दूँगा। तो दैट्स इट गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं हमारे किसी नए वीडियो के अंदर।